हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमु पवार वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं जो कि रहेगी हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड। जैसे कि आप सबको पता है, जो हमारी वीडियो रहती हैं स्टिचिंग से रिलेटेड और कटिंग की भी रहती हैं, स्टिचिंग की भी रहती हैं, बाकी जो कटिंग करते हैं उसको भी हम स्टिच करके दिखाते हैं। जो हमारी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है हम वो भी पूरा करते हैं। और जो कलियों वाले शरारे की रहेगी हमारी, जल्दी ही हम 15 तारीख के बाद कलियों वाले 3 कली का और जो 6 कली का शरारा होता है, टोटल 6 कली का और 12 कली का होता है, उसकी भी हम वीडियो जरूर कटिंग और स्टिचिंग जरूर डालेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी काम थोड़ा ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी ही डालने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि सबको पता है, हमारी क्लासेस 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो ज्वाइन के लिए रहेगा वो जूम पे रहेगा, लाइव क्लासेस चलेंगी हमारी, जो आपके डाउट रहेंगे साथ साथ क्लियर किए जाएंगे। और अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो संडे या फिर ट्यूसडे को कोई एक दिन रख के आपका वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। और जो हमारी स्टिचिंग की जो हमारी वीडियो रहती हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, क्योंकि उसमें स्टिचिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज दी जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। जो आपके डाउट रहते हैं काफ़ी हद तक आपके क्लियर उसमें किए जाते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है स्टार्टिंग से लास्ट तक, ताकि आप जो आपकी जो कमियां हैं, जो आपको कुछ समझ नहीं आता है, चाहे वो फैब्रिक से लेकर हो या फिर लाइनिंग से लेकर कुछ समझ नहीं आता है, तो आप इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सोल्व हो जाएंगी। वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहें। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो भी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा, आप देख सकते हैं वेलवेट का ये फैब्रिक रहेगा। इसमें जो हमने रेडी किया है मेहंदी ग्रीन है। वेलवेट में भी आपको हमारे पास काफ़ी कलर मिल जाएंगे, वैरायटी काफ़ी मिल जाएगी। जो हमारी वैरायटी है वो आपकी 250 से स्टार्ट होके आपको 500 तक उसमें रेंज में मिल जाएंगे, जो अलग अलग रेंज के रहेंगे। फैब्रिक की क्वालिटी अलग अलग रहेगी, फैब्रिक का जो रहता है, कोई रहती है माइक्रो वेलवेट, कोई रहेगी आपकी ओरिजिनल रहती हैं। काफ़ी तरह की हमारे पास 5 तरह की वैरायटी अब की बार सीजन में आई थी। तो जिसको जो लेना है आप स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर आपके पास कलर कोई नहीं है तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर हमारे पास भेज सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा अगर हमारे पास हुआ तो। आप देख सकते हैं इसमें हमने शॉर्ट कुर्ती रेडी की है, और सबका कंफ्यूजन रहता है कि किस तरीके की लाइनिंग आप वेलवेट में यूज़ करें, ये सबका ही डाउट है। क्योंकि हमारे पास जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी 90% सबका यही डाउट है कि कौन सी लाइनिंग लगाएं, किस तरीके से उसमें लाइक्रा यूज़ करें या फिर हम उसमें कॉटन की लाइनिंग यूज़ करें। काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स हैं सबकी ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को लगता है जहाँ तक। उसमें आप, मैं सबको क्लियर बताती हूँ कि आप कॉटन की लाइनिंग से भी उसको खूब अच्छे से उसको स्टिच कर सकते हैं। अगर आप वैसे बुरी, अगर मैं आपको बोलूं तो बुरी जो लाइक्रा वाली है वो भी नहीं है, बट उसमें क्या होता है कि पहनने के बाद काफी हैवीपन आ जाता है, वेलवेट हो गई वो भी हैवी हो जाएगी, और उसके साथ जो आप उसमें पेस्टिंग करेंगे फिर जो लाइक्रा की, तो उससे काफी थिकनेस आती है सूट में, तो आप उसको पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है। अगर किसी से स्टिच नहीं होता है उस सिचुएशन में आप लाइक्रा पेस्टिंग लगा सकते हैं, बट अगर आप अच्छे से स्टिच करते हैं सूट को और आपको स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें प्रॉपर दिखाया गया है कि आप किस तरीके से वेलवेट की कुर्ती को या पैंट को आप स्टिच कर सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि आपको आसान रहेगा अगर आप वीडियो देख लेंगे तो। आप वीडियो देख के उसकी प्रॉपर उसी तरीके से स्टिचिंग करेंगे, बीच सेंटर लेंगे, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। सबसे पहले हमारी जो कटिंग होती है कॉटन की लाइनिंग की रहेगी, उसके बाद हम उसके ऊपर रख के अपनी वेलवेट की कटिंग करेंगे, प्रॉपर आपकी फिक्स रहेगी, और उसके बाद आप इजीली उसको स्टिच कर सकते हैं। स्टिच करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है। जो टिप्स हमने छोटी छोटी उसमें बताई गई हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी स्टिच करने में भी, तो फिर आप जहाँ तक मैं बोलती हूँ कॉटन की लाइनिंग ही लगाएं। और इसमें हमने नीचे की तरफ इस तरीके से गोल्डन लेस के साथ हमने इसको रेडी किया है, फोल्ड कर दिया है, किसी को लेंथ भी बढ़ानी हो तो। और नेक देख सकते हैं स्क्वायर हमने इसमें नेक दिया है, आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं या फिर ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, ये ग्लास गले में आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं नीचे इसकी शेप में हमने कम ब्रॉडनेस रखी है और ऊपर थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको ग्लास गला बोलेंगे। ग्लास गले में हमने स्क्वायर करके लगा दिया। आप जब भी स्क्वायर गले में लेसेस का यूज़ करते हैं, लेस लगाते हैं, तो आप उसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ किस तरीके से लगाएं आपको बताती हूँ। मेन रहता है आपका सेंटर, कि आप ये सेंटर से किस तरीके से उसको लगाएं।
प्रॉपर आप देख सकते हैं कोने बने हुए हैं, इधर भी प्रॉपर आपका कोना बना हुआ है। अंदर सिलाई लगा के तभी उसको आप स्टिच करेंगे कि किस तरीके से आपको स्टिच करना है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि आप जब भी आप कॉर्नर पे आते हैं और आपका इस तरीके से रहता है, जब आप कॉर्नर बनाते हैं तो यहाँ से आप रख के, और जैसे आपका ये कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर से ऊपर की साइड से, और यहाँ जो आपका नीचे की साइड कॉर्नर, बिल्कुल इसको इस तरीके से स्लैंटिंग में कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको फोल्ड करने में बिल्कुल इजीली फोल्ड हो जाएगा। अभी मैं एक बार यहाँ पे बता देती हूँ। अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर आ गया और ये कॉर्नर आ गया, तब आप मैं इसको फोल्ड करूँगी तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉर्नर आपका अच्छे से बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो कॉर्नर है आपका फिनिशिंग के साथ और अच्छे से बन गया है। तो आप इसी तरीके से अपना कॉर्नर बनाए तभी इसमें फिनिशिंग आएगी। बैक कलर देख सकते हैं हमने राउंड दिया है, और ये वाली जो आपकी स्ट्रेप्स रहती है उसको भी आप एक इंच या फिर सवा इंच तक ही रखें, ज़्यादा ना रखें। और जिस भी वेलवेट में आप फुल स्लीव्स रखते हैं या फिर 3/4 रखते हैं, विदाउट लाइनिंग ही रखेंगे। और लाइनिंग पे भी हमने इस तरीके से बॉर्डर दे दिया है। इसके साथ हमने रेडी किया है 12 कली का शरारा हो जाएगा, आप ये देख सकते हैं। अगर इस तरीके से किसी को स्टिच कराना है तो आप स्टिच भी करा सकते हैं, स्टिचिंग के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें हमने 12 कलियां रखी हैं, ऑलराउंड लास्टिक आ जाएगी, और इसके साथ भी आपको जो लाइनिंग मिलेगी कॉटन की लाइनिंग दी गई है, और नीचे की साइड से सिंपल फोल्ड किया गया है। शॉर्ट कुर्ती के साथ इस तरीके से शरारे के भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अगर आपको इस तरीके से भी स्टिच कराना है आप हमसे करा सकते हैं। आप इसका स्क्रीन, अगर इसमें आपको कुछ चेंज भी कराना है आप इसमें चेंज भी करा सकते हैं। कस्टमर के पास, इनके पास दुपट्टा ऑलरेडी था तो उन्होंने सिर्फ हमसे ये ऊपर और नीचे का रेडी कराया। अभी एक और सूट देख सकते हैं, ये कस्टमर का अपना ही है, इसको हमने ओनली स्टिच करके दिया है। अगर आपको भी स्टिचिंग कराना है आप स्टिचिंग भी करा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पूरा पानी गोल्डन का काम है, बैक प्लेन है। तो हमने इसके साथ जो लेसिस का दिया है, घोटे वाली लेस है जो हमारी किन्नौर वाली आ जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं घोटे का वर्क है। फ्रंट एंड बैक में हमने दोनों साइड ये लेस ऐड कर दी है, और इसमें भी हमने जो लाइनिंग दी है कॉटन की लाइनिंग के साथ ही हमने इसको रेडी किया है। और 3/4 स्लीव्स रखी हैं, 3/4 स्लीव्स में इस तरीके से घूम करके हमने इसमें पाइपिंग लगा दी है। सेम वी नेक में भी हमने पाइपिंग लगाई है। वी नेक आप जब भी बनाते हैं, जो हमारे नॉर्मली नेक रहते हैं उनसे 1/2 इंच ये एक्स्ट्रा ही रहता है। मतलब आप अगर 7.5 इंच का गला पहनते हैं तो वी नेक बनाते हैं तो 8 इंच का उसको रखेंगे। साइड रोड दे दी है जो कि आपकी प्रॉपर फिटिंग के लिए आती है। बैक हमने राउंड रखा है, बैक में हमने और डॉट्स दे दी हैं। इसके साथ भी हमने पैंट रेडी की है जो कि लाइनिंग की पैंट आ जाएगी, और फ्रंट में हमने बेल्ट रखी है, या आपकी डॉट्स आ जाएंगी जो कि 4.5 इंच तक आपकी डॉट डलती हैं। आपकी ये आपके कमर के अकॉर्डिंग रहेंगी कि आप उनको अंदर से कितना दबा सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं हमने इनको 1.25 इंची इसको अंदर की साइड दबाया है, तो आपकी 1/2 इंची से और 1 इंची के अराउंड आपकी ये स्टिच होती है अंदर, वो आपकी कमर के अकॉर्डिंग रहेंगी कि कितना साइज़ है तो कितनी उसको हम अंदर की तरफ दबाएंगे। साइड पॉकेट लगा दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और नेक्स्ट सूट आ जाएगा, आप ये भी देख सकते हैं। इसको भी ये गरम सूट है, गरम सूट में भी हमने लाइनिंग की ही कॉटन की ही लाइनिंग दी है। जैसा कि सब का डाउट रहता है कि क्या गरम सूट में, जो हमारे सर्दियों के सूट होते हैं उनमें लाइनिंग लगती है, अगर आपका फैब्रिक अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसमें कॉटन की लाइनिंग ज़रूर दें। क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका सूट है काफ़ी रेंज में भी काफ़ी महंगे ही आते हैं, और आप उनको विदाउट लाइनिंग स्टिच करते हैं तो यहाँ से साइड में से, आपने देखा होगा, साइड में से खिंच जाते हैं, स्लीव्स के यहाँ से खिंच जाते हैं। जब आप इस तरीके से हाथ करते हैं पीछे की साइड भी आप देखते हैं, जहाँ जहाँ आपकी सिलाई लगी होती है वहाँ आपका प्रॉपर दो धागे धागे निकले होते हैं और खिंचा रहता है सूट, तो आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें लाइनिंग अटैच की है तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, क्योंकि लाइनिंग का पूरा प्रॉपर इस पर सपोर्ट मिलता है, और फिर सपोर्ट की वजह से आप इसमें लाइन नहीं आएंगे। अब हम इसको खींचते हैं तब भी आप देख सकते हैं, पूरा मैं जोर से खींचूंगी तब भी इसमें
कोई लाइंस नहीं आएंगी। तो अगर आपका फैब्रिक अच्छा है और बेस्ट क्वालिटी है तो फिर आप जरूर लाइनिंग के साथ उसको रेडी करेंगे। इसके साथ हमने घूम करके लेस लगाई, सॉरी पाइपिंग लगाई है, गोल्डन कलर की हमने पाइपिंग दे दी है सेम इसी के साथ। और राउंड हमने नेक रखा है इसमें, फ्रंट और बैक से दोनों राउंड आ जाएंगे। और जैसे कि बताया है चेस्ट के अकॉर्डिंग आपका अगर साइज हैवी है और अगर आपको लगता है किस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में कितना फर्क आता है, 1.5 इंच या 2 इंच आपका फर्क आता है, तो आप प्लेट्स जरूर डालें। प्लेट से आपकी फिटिंग भी आएगी और जो यहाँ पे लूजपन रहता है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। और 3/4 हमने इसमें स्लीव्स दी हैं और इसके साथ भी जो हमने पैंट रेडी की है, लाइनिंग की ही पैंट रेडी की है और फुल लाइनिंग की ही पैंट रेडी हुई है। साइड में पॉकेट आ जाएगी, फ्रंट में बेल्ट आएगी और बैक में लास्टिक आएगी। लास्टिक और बेल्ट किस तरीके से डाली जाती है, काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं हमसे पूछते हैं कि इसमें बेल्ट किस तरीके से डालें और लास्टिक कितनी डालनी है, तो आपको हम वो बता देते हैं। फ्रंट में आप टोटल अपनी कमर का हाफ कर लेंगे, मान लो आपकी कमर है 32 तो उसका हाफ आप कर देंगे 16 इंच, 16 इंच की आप बेल्ट डाल देंगे और बाकी जितना बच्चा है पीछे का 16 इंच तो आप उसमें 5 इंच बेल्ट में, सॉरी लास्टिक में कम कर देंगे, तो 16 में 5 इंच कम हो जाएंगे, 11 इंच की आपकी लास्टिक डल जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। लास्टिक कम क्यों डाली जाती है, क्योंकि स्ट्रेचेबल है, अब खुल के अपनी प्रॉपर आपकी उतनी ही आ जाएगी जितनी आपने फ्रंट में ली थी। तो 16 × 32, 16 फ्रंट में हो गया, 16 बैक में हो गया, आपका टोटल 32 इंच ही हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो। आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। आप इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए और इसी तरह हम नए नए आइडिया के साथ डेली आपके सामने नई वीडियो लेके आते हैं, नए नए आइडिया लेके आते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमें लगता है, अगर आपको भी लगता है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर सकता है और इसी तरह आप हमें डेली वीडियो हमारी आप देख सकते हैं। आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। अगर किसी को क्लासेस भी लेनी है तो क्लासेस के लिए भी आप हमें नंबर दिया गया है, आप उस पर प्रॉपर जाके पूरी डिटेल ले सकते हैं, उसके लिए मैसेज या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।